गाइस आज हम बात करने वाले हैं कार्डिंग स्कैम के बारे में। आखिर क्या होता है कार्डिंग स्कैम और ये जो इंस्टाग्राम पर या फिर जो टेलीग्राम पर कुछ प्रोफाइल्स होती हैं ये आपका कार्डिंग का स्कैम कैसे कर देती हैं और आप उसके विक्टिम क्यों बन जाते हो, आखिर क्या पूरा प्रोसीजर होता है मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस ये बात है काफी टाइम पहले की। मेरा ही एक फ्रेंड था जिसके साथ ये स्कैम हुआ था। अब गाइस बात कुछ ऐसी है कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आए दिन आप लोग देखते होंगे कुछ ना पोस्ट पब्लिश होती है जो कि ये दावा करते हैं कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 1-2 लाख का देखते हो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जो पूरा चला रहे हैं उस प्रोफाइल को, ठीक है, जो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम आपको ये जो प्रोडक्ट्स है लाइक आईफोन 14 है 13 है 12 है या फिर आपका कोई मैकबुक है या फिर आईपैड है वो आपको देंगे बहुत ही कम प्राइस पर। तो ये लोग ये बोलते हैं अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है 1 लाख का तो ये लोग देंगे 10,000 का 15,000 का या फिर 20,000 का। तो ये प्रोसीजर होता क्या है? तो मेरे फ्रेंड ने उस बंदे को मैसेज करा, उस बंदे को बोला कि मेरे को इस तरह से मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी और मेरे को ये चीज परचेज करनी है। तो उसके बाद उस बंदे ने क्या करा, जो वो स्कैमर था उसने बहुत सारी पोस्ट भेज दी कि सर ये देखो ये हमारे कुछ स्क्रीनशॉट है कि जितने भी लोगों को हमने आज तक अपना जो कार्डिंग सर्विस है वो दी है। जो मेरा फ्रेंड था उसने उस स्कैमर को 3,500 रुपए पे कर, उस स्कैमर ने बोला कि आप मेरे को 3,500 रुपए पे कर दो, मैं आपको कुछ कार्ड की डिटेल्स दे देता हूं और उससे आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे और जो आपका प्रोडक्ट है वो आप परचेज कर पाओगे बहुत ही इजी। और फिर क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था उसका स्कैम हो गया 3,500 रुपए का, 3,500 रुपीज का। अब ये होता क्या है थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं। कार्डिंग का मतलब होता है कि जब आपको कोई सामने वाला बंदा, कोई आपको सेकंड पर्सन ये बोल के स्कैम करे कि मेरे पास एक ऐसा कार्ड है, मेरे पास एक फॉरेक्स कार्ड है या फिर कोई ऐसा कार्ड है जिसके थ्रू आप अपने ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसको बहुत सस्ते दामों में खरीद सकते हो, दैट इज कॉल्ड कार्डिंग। बट गाइस देखा जाए तो जो कार्डिंग है वो एक तरह का ना बहुत संगीन जुर्म है, हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही बुरा अपराध है, ठीक है। और जो कार्डिंग कर ये जो स्कैम होता है इसको हम जैसे लोग तो कर ही नहीं सकते जो कि मार्केट में बैठते हैं, मतलब कि बहुत सिंपल से लोग तो कर ही नहीं सकते जो लाइक प्रोफाइल्स वगैरह भी ये बोलती हैं। गाइस जो कार्डिंग स्कैम होता है ना ये बहुत ही मतलब हाई लेवल का हैकर ही कर सकता है, हम जैसे लोग तो कर ही नहीं सकते। और खासकर जो इंस्टाग्राम पर ये जो इतनी सारी पोस्ट करते हैं, स्टोरीज पब्लिश करते हैं, ये लोग तो कर ही नहीं सकते, ये लोग बस कार्डिंग के नाम पर करते हैं स्कैम। क्योंकि गाइस जो रियल कार्डर्स होते हैं वो कभी भी ऐसी तरह के स्कैम नहीं करते, वो अगर कार्ड परचेज भी करते हैं तो वो अपने लिए ही परचेज करते हैं। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पे या फिर टेलीग्राम प्रोफाइल्स पे कभी भी मैसेज करोगे तो ये लोग डायरेक्ट आपको पेमेंट की बात करने लगेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही रहता है। इसके बाद ये जो लोग होते हैं ये आपको ना बोलेंगे कि हम लोग डार्क वेब से कार्ड को परचेज करते हैं और हम उस तरह से अपना कार्डिंग का प्रोसीजर करते हैं और इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट गाइस लिटरली मैं आपको बता रहा हूं अपने थोड़े से लालच की वजह से जो आपको प्रोडक्ट 1 लाख में मिल रहा है उसको 10,000 का बनाने के चक्कर में आप भी अपना स्कैम मत करा लेना, मेरी आपसे हंबल रिक्वेस्ट है। क्योंकि गाइस अगर आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीदना है ना तो उसके लिए आप मेहनत करिए, पैसा कमाइए और उसको परचेज करिए। बट अगर आप लोग ये सोचोगे कि 1 लाख का प्रोडक्ट मैं 10,000 में खरीद लूंगा 2,000 में खरीद लूंगा तो ये बहुत ही गलत चीज है। तो गाइस मैंने आपको काफी शॉर्ट में बता दिया कि कार्डिंग क्या होती है और ये लोग कैसे करते हैं, आपको ऐसी कौन सी बातें इनका ध्यान रखना है जिससे कि आप कार्डिंग के स्कैम से बच सको, आप उसके विक्टिम ना हो। तो गाइस आपको क्या करना है कि जब भी आप लोग इस तरह की प्रोफाइल्स को देखते हो तो आपको सिंपली इन तरह की प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर दें, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स होती हैं आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर देंगे। क्योंकि ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं ये पूरे टाइम पोस्ट पर पब्लिश करते जाते हैं, ये लोग जो मार्केट की ऑडियंस होती है उसको रिटारगेट करते हैं, पूरे दिन बहुत सारी स्टोरीज डालते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये सच में ही एक रियल कार्डर है, सच में ही रियल आईफोन सेलर है, सच में ये रियल में मैकबुक सेल कर रहा है। और जो कार्डिंग का स्कैम है वो 95% आप ये कह सकते हो कि वो आईफोन के नाम पर ही होता है, मतलब एप्पल प्रोडक्ट्स के ही नाम पर होता है, लाइक आपका आईफोन है, मैकबुक है, आईपैड है और इसी तरह की कुछ चीजों पर होता है। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इस तरह की प्रोफाइल्स आती हैं सिंपली इनको ब्लॉक करिए। अगर बंदा सामने से मैसेज कर रहा है तो उसको ब्लॉक करिए, अगर आप उससे बात करोगे तो रियलिटी बता रहा हूं ये आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर देगा। आपको मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए थे तो इस चीज का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा गाइस। और गाइस अगर आप भी इसकी कभी विक्टिम रह चुकी हो या फिर अगर आपके साथ भी ये वाला कभी सीन हो चुका है तो गाइस आपको ध्यान रखना है, आपको सिंपली विजिट करना है हमारी इंडिया की साइबर सेफ्टी की वेबसाइट को जिसका URL है www.cybercrime.gov.in और आप सिंपली कॉल कर सकते हो 1930 पे। ये है हमारे इंडिया की साइबर सेफ्टी का हेल्पलाइन नंबर। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।